हेलो गाइज, दिस इज शैली पटेल, योर वेरी ओन गोलू मोलू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज 17 जून है एंड आज मैं, देवांशी और कार्तिक हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट कहीं तो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। बहुत टाइम बाद हम तीनों मिल रहे हैं तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। ठीक है, चलो बैठ जाते हैं फटाफट और निकलते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शैली मैडम अपने मतलब गाड़ी में निकल चुकी है और पिछले एपिसोड में या पिछली क्लिप में देखा? अच्छा, पिछली क्लिप में देखा कि हम लोग क्या यूट्यूबर बनेगा कार्तिक। नहीं, मैं अपने अगले सीरीज पे काम करूँ, उसका डायरेक्ट उसका दिमाग एक तो ना अभी तेरे को मैं बताई, तब तेरे को रियलाइज हुआ कि कौन से लैंडस्केप में लेना होता है, पोर्ट्रेट में लेना होता है। अरे नहीं पता, ऐसा यूट्यूबर बनेगा तू। अरे नहीं पता, मैंने अपने आप को देखता हूँ ना कैमरे में, तो मुझे ये फील होता है। चाचा क्या कर रहे हो? नहीं तो मुझे ये फील होता है ना कि मेरा ऐसा, जब मैं अपनी आवाज सुनता हूँ मैं बहुत धीरे बोलता हूँ और तुम लोग क्या बाजू बैठो, तुम लोग बोलते धीरे बोला कर। मतलब क्या है? नहीं, तेरे को कब बोला धीरे बोला कर? तेरा आवाज तो आता भी क्या? चलो अभी हमें ना इधर कट करते हैं क्योंकि मेरे को देवांशी को कॉल करके बाहर बुलाना है। ठीक है, चलो कट। क्या आधे में क्यों बंद? अच्छा, क्योंकि मैंने ओके आधे में कंप्लीट तो करने देते, वही आधे में रोक दिया उसको। मैंने ऐसे मेरे फोन से गाने बज रहे थे, उनको बताओ तो सही हुआ क्या एक्चुअली क्या हुआ। ये लड़की ने आधे में गाना रोका, मैंने गाना रोका नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया, गाना ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है ऑब्वियसली। हमारे फोन ऐसे दिमाग वाले होते हैं, स्मार्टफोन यू नो। हमारा देखो, एक तरफ कॉलर की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ गाना अभी भी बज रहा है। नहीं, तुम एंटरटेन हो। अरे मतलब चलो तो अच्छा? अभी हम देवांशी का वेट कर रहे हैं, वो उधर से आएगी तो नहीं आएगी ना। वो कार्तिक थोड़ी है कि बोलने के बाद ना आए या लेट करे। कितना लेट किया? 12:30 से खड़ा हूँ उधर। कितना लेट किया आज? नहीं, एक्चुअली अमित नगर में बहुत ट्रैफिक था। हाँ, कल ऐसे बड़े लोग आ रहे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे यार। कम ऑन, सच में प्राइम मिनिस्टर? सरकाज़म नहीं, प्राइम मिनिस्टर। हमारे लोगों को पता है आज 17 है तो 18 को आए हूँ थे, ऐसे लोगों को पता है। नहीं, लोगों को लगे हम सरकाज़म में बोल रहे हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर सच्ची के प्राइम मिनिस्टर आ रहे, वो भी इंडिया के। तो और कौन सी दुनिया के लेके, मतलब और कौन सी कंट्री के यहाँ पे आएंगे, मतलब आ सकते है, बट हाँ ठीक है। चलो अभी हम कंटिन्यू करें। सुनो ना सुनो कोई तो, वही बेचारा अभिजीत ही बोला आज जब सर जीता था तो कोई सुन ही नहीं रहा बेचारे को। सुनो नहीं, मैं तो सुनती हूँ, मैं पुराने भी सुनती हूँ, नए भी सुनती हूँ, बस सारे रोने वाले सुनती हूँ। सर नदिया पार्टी सॉन्ग भी है पर वो मैंने ऐसे सुबह घर पे बजा दिया। तो अभी का है ना, मतलब इसका पंजाबन सॉन्ग। नहीं, अभी इसका अलग सिस्टम चलता है, घर में पार्टी करो, बाहर आंसू में फैलाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ऐसे लाइक सॉन्ग्स का पूरा प्लेलिस्ट है, शुरुआत से शुरू करती हूँ फिर मेरा कंटिन्यू रखती हूँ। तो अभी बड़ोड़ा में गर्मी कम करने का जिम्मा शैली पटेल ने लिया। क्यों? ऐसे गाने बजेंगे कि जो भी सुनेगा उसके आंसू निकलेंगे, आंसू गिरेंगे, पानी आएगा, गर्मी ऐसी कम हो जाएगी। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, पता है? पता है, सोचिए ऐसे कैसे गाने सुना रही। सुनो ना तो बदल लो, खुद ही गा रहा था अभी तू। तेरा ही एक्सप्रेशन दिखा है इधर, वाइब तो लेना पड़े ना भाई। ठीक है, चलो अभी देवांशी का वेट करते हैं, जल्दी आए वो। अरे गाय माता, थोड़ा दूर से जाओ, मेरी गाड़ी मत तोड़ देना। अरे नहीं, सिंगड़ा विंगड़ा मार दिया। इतु सी नहीं होती गाय, ऐसा नहीं, सिंगड़ा विंगड़ा मार दिया तो मेरी हेडलाइट फोड़ दे फिर वापस। अरे मैडम को मस्त, मैडम इस बार चुप करवाने के लिए तू अकेला ही है, मेरे से होना नहीं है। लास्ट टाइम तो वो डॉग ने आके मेरे को हंसा दिया था, इस बार गाय रुलाने वाला भी मैं, हंसाने वाला भी मैं। वो तो बहुत खतरनाक दिन था। ठीक है, चलो तो हमने फाइनली ऐसे डिसाइड भी कर लिया कहाँ आना है और हम पहुँच गए हैं। कहाँ है? आपकी चाय की दुकान। पैसे नहीं देने। नाम बोल ला क्या आपकी चाय की दुकान? वो टैगलाइन है टी पोस्ट। इंस्टाग्राम के जमाने में पोस्ट, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होती है। मैं तो टी पीता भी नहीं। निकल। तो चलो अभी मैं ऊपर चलते हैं, इग्नोर करते हुए अभी ऊपर चलते हैं एंड बंद कर ले, आवाज आ रहा है। ऊपर चलते हैं, मैं देवांशी से भी मिलवाती हूँ और अंदर का सब दिखाती हूँ। ठीक है, देखो हम लोग आ गए, ये लोग अंदर जा रहे हैं। वाह, ये टी पोस्ट काफ़ी प्रिटी है यार, देखो कुछ ज़्यादा ही प्रिटी बना हुआ है। इतना अच्छा मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट हाँ चलो ऊपर जाना है, चलो तो ऊपर ही चलते, इधर से है। चलो ठीक है, चलो ये काफ़ी अच्छा बना है ना ये वाला टी पोस्ट, जैसे मैं तो हर रेक में गई हूँ ना, कुछ भी नहीं अरे नहीं, मैं एक्चुअली पता है पारुल वाला गई हूँ, उसके अलावा मेरे को याद भी नहीं मैं कितने गई हूँ, बहुत कम। चलो वो वाह, अंदर ही चलते, चलो चलो यहाँ पे ही बैठ जाते हैं, ये कोने में आ जाता है ना। चलो चलो 5 minutes later हम देखो यहाँ आके हम क्या कर रहे हैं, मतलब गाने सुन रहे हैं और ये देखो मैं कुछ बनाने की कोशिश, क्या बना रही है देवांशी। अच्छा, बनाने से पहले बिगाड़ना पड़ता, बिगाड़ रही है फिर बनाएगी। क्या 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 बनाने से पहले बिगाड़ना पड़ता, मैं वही देख रहा हूँ, बनाने का कोशिश कर रही हूँ। हाँ वो मैं भी कोशिश कर रही हूँ समझने का, बचपन में से हुआ वो बटरफ्लाई बनाते थे, वो बना रही है। नहीं रे, मैं किसी का दिल बना रही हूँ। ओहो, पहले तो हाय हाय, चलो यानी ये बात तो पता चल गया, दिल बनाने के लिए बहुत चीजें फाड़नी पड़ती हैं, दिल बनाने के लिए बहुत कुछ फाड़ना पड़ता है। ओह माय गॉड, मैं इधर दो फिलोसोफर्स के साथ बैठी हूँ ऐसा लग रहा है। ये कैसा दिल है, दिल का फेदर्स क्यों निकल रहे, पूरे पीछे निकल रहे हैं। मेरे को पीछे वो एसी दिख रहा है, इधर रखना थोड़ा। हाँ अच्छा, ये आपको इसमें दिल दिख रहा है क्या, दिख रहा हो तो जरा कमेंट करो। ये दिल ये कुछ और है मेरे को जानना ही नहीं है कुछ। चलो तू क्यों मुंह बिगाड़ रहा था कब से, जोर से बोल थोड़ा। गाने क्या गाने इतने अच्छे थे। कैफे इज द प्लेस फॉर रोमांटिक लवर्स एंड कपल टाइप, बट जो लोग सिंगल हैं, जो लोग चिल करना है वो क्या करें। गाने तो अच्छे हैं, अच्छे गाने बज रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ, गर्म है। क्या मंगवाया है वो भी तो बता दो। देखो हमने क्या मंगवाया, क्या था इसका नाम, वेजी फिंगर्स। हाँ चलो, कैसा लगा कार्तिक। पकौड़े के अंदर उपमा डाल के ये वो क्या आता है, क्या जल्दी बोल, याद कर ले, याद कर ले। 3 मिनट्स में बना मकेन्स। हाँ देखो अंदर, अंदर से कैसा दिखता है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ओहो गरम गरम दिख रहे हो। चलो अभी फटाफट खा लो, चलो खा लो नहीं ओके। देख रहे हो ये होता है, मतलब ये होते हैं ब्लॉगर्स की लाइफ। बेचारी को इतनी गंदी जोर से भूख लग रही है ना, बट फिर भी एकदम धीरे धीरे खा रही है, सोफिस्टिकेटेड वे में। और ये कैमरे से कैमरे का वार चल रहा है, वार। ताकि हम दूसरा वो ले सके। अरे बचा के रखो, बचा के रखो, अगर अच्छा नहीं लगा तो टेक 2 लिया जाएगा। नहीं टेक 2 मेरा ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखो आपको लगता है ब्लॉगिंग ईजी है, फेवरेट खाना खाते हुए सामने होते भी धीमे धीमे खाना पड़ता है। अच्छा रोमांस कैसे एंजॉय करते हैं। चलो मेरी बारी, मेरा भी करना है क्या, दारू लाओ तुम्हारे साथ। बस बस चलेगा सर, थैंक यू। कुछ और बोलने का? नो पैप्स। तुम ही ने बुलाया है, तुम ही ने बुलाया है। जब कैमरा होता है। और ये कॉन्शियस लेडी मास कॉम की स्टूडेंट है। अच्छा नहीं है कहना तो मैं ऐसे डालूंगी फेल्ड अटेम्प्ट्स। वुडेड लाइक अ शिवा। एनी रिव्यू? ये पकोड़े में उपमा किसने डाला ये बताओ भाई। वो रिव्यू तो बाद में होता रहेगा। 2000 years later। तो ये फोटो शूट करने का बहुत बुरा ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली ना इनकी कोई फोटो है बहुत टाइम पहले की गई थी है ना, तो उसको लोग रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ टाइम पर ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे से हम लोग कर रहे हैं। कभी वो गिर जाती है, कभी बाल आ जाता है, कभी हवा आ जाती है। तो ओ माचिस क्या हुआ? ये पोज लेते थे WWF की चालू कर दिया ना तुमने, चोक स्टैम्प क्यों दिया? फिसल गई। टी पोस्ट वालों ने पता, अच्छा पता टी पोस्ट वालों ने नया रूल निकाला है कि एक दिन में तुम 4 से 7 सेल्फीज नहीं ले सकते। तो ऊपर एक कोई थे अंकल, पता नहीं यहाँ के कोई कस्टमर है, और वो 3 से 4 बार हमको देख के गए। हमको लिटरली बोल के गए बेटा आज ही सारे फोटोज खींचे। तो बोला 4थी बार अंकल ने और देखा ना एक और बार, सीधा फोन लेके बोले बस बेटा तुम्हारे लिए हाइट नहीं है। तो वापस 5वीं बार अटेम्प्ट करते हुए तो फाइनली ऐसा 1.5 घंटे की मेहनत के बाद अच्छा फोटो भी सेशन कम्प्लीट नहीं हुआ। हे राम, 10 ग्राम की लड़की इसको उठाना मुश्किल है, बाल आएगा तो ऐसे मतलब झूम में फोटो खींचो। तो आप देख सकते हो जो ये व्लॉग देख रहे तो मैं प्री वेडिंग शूट भी कर सकता हूँ। गिव मी अ मौका। ठीक बेटा अभी तू ही खींच। थैंक यू कार्तिक। अभी कार्तिक ने मेरे को मेरे फोन की एक ट्रिक बताई है जो मेरे को पता ही नहीं। फोन इसका टिप मेरे को देनी पड़ेगी तो बताओ। हाँ बस, कभी घमंड नहीं किया। अभी हमने 2, 3, 4 पता नहीं कितने घंटों का फोटो शूट खत्म करके हम फाइनली अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पानी पूरी खाने जा रहे हैं। कहीं ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं मिला तो फिर मिलेगा मिलेगा तो शैली अपने हाथों से बना। तो देखो हम जहाँ पे थे ना उससे थोड़ा ही आगे आके सामने ही हमको पानी पूरी वाला मिल चुका है। तो हम आ गए पानी पूरी खाने। वो दोनों तो लाइन में भी खड़े हो गए। देखो ये क्या नाच क्यों रहे हो? कौन सा? अभी तो गालियाँ दे रहा था उस गाने को। सुबह नहीं, ये जवानी है दीवानी का ही है। तो बूंद पे नहीं गहरे समंदर पे ओ इलाही। हैं क्या कर रही है तू? ठीक है चलो अभी खा ले फटाफट। कितनी हैं? नहीं खाना है तो निकल सकते हो। बस तो क्या बोल रहे हैं? वो सनकिस्ट वाली पिक्चर आती है। हाँ। ये क्या देवांशी? ऐसा थोड़ा सा रख दे पता भी नहीं चलेगा पीछे में बैठा हूँ। आवाज सुन के लोग डर जाएंगे बेचारे बच्चे लोग। ये क्या है? थोड़ा धूप से ऐसे आ जाए। काम करना तो वो ऐसे नहीं, हर जगह धूप आ रही। एनीवेज अभी ठीक है ना, घर ही तो जाना है, क्यों इतना लोड ले रहे हो? ले बस ले, खुश हो जा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कर आउट्रो भी देगा नहीं, घर पे जाके देना ऐसा करो। हाँ। ये ऐसा मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ ऐसे एक छोटी बच्ची आई है जो खेल रही है गाड़ी के। कुछ कट दे बेइज्जती खुद यहीं पे बैठा है। बेइज्जती खुद बैठी है। कुछ कट नहीं होता। होता है कार्तिक बेइज्जतियां? कट इधर बोलने का है। कट होता है। अच्छा भाई दो वही मेरा फोन बोलता भाई आधा खाने में कौन उठाता है? कट होता है, हो सकता है। नहीं मैं नहीं करती। करना पड़ेगा। नहीं वो मेरे ऐसे चैनल पे ऐसे सिस्टम है, कार्तिक देख नहीं रहे भाई जब 12 ऐसे मेरे को देख के कौन खुश हो जाएगा ऐसे अधमरी हालत में। कार्तिक सिंह के भी फैंस ऐसे के का रिव्यू है। सर रिव्यू कब आ रहा है? अल्लाह क्या किधर है तू? ढूंढो तो जानू कब आ रहा है नेक्स्ट वीडियो। अरे कोई अच्छी मूवी तो आए। आ रही है 24 को। कौन सी जुग जियो। पैसे मिले तुझे अच्छी नहीं, सच में अच्छी होगी, देख लेंगे। कार्तिक झूठ मत बोल, तूने खुद ट्रेलर देख के तारीफ किया था। ट्रेलर तो बस मेरे पास प्रूव करने के लिए वो नहीं है। ट्रेलर तो सारे अच्छे होते हैं, मूवी में मूवी भी अच्छी है। एग्जैक्टली बट देख लेना वो जो बुक का जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी हम ऑलरेडी बहुत सारी बुक पढ़ चुके हैं। ये डिबेट सेशन हम बाद में रखेंगे, छोड़ो यार। चलो अभी घर जाते हैं, नहीं तो ऐसे हमको स्ट्रिक्ट टाइम दिया गया था जो ऑलरेडी चला गया। पूरे 19 मिनट लेट है लड़की। 20 21 अच्छा 21 मिनट लेट है लड़की। 21 मिनट, ओ माय गॉड। चलो फटाफट भागते हैं। और जिस स्पीड से देवांशी नीचे जा रही है ना, अगर थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो उसको गोदी में मिलेगी। फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। धूप से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो फिर मेरे को डाउट है वैम्पायर। जा बेटा धूप में जा थोड़ा। धूप दर्द पीड़ा। चलो कष्ट तकलीफ। टाटा। तो गाइज मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ एंड अभी अंदर जा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं या आगे क्या क्या देखना है, क्या वीडियोस देखने हैं, क्या चैलेंजेस देखनी है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ सजेशंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप लविंग।